अरे सुषमा भाभी, कैसे हो आप? सुषमा मैन, आप आओ आओ बैठो। अरे नहीं, बैठ नहीं सकती, बहुत काम है घर पे। भाभी हमारे कानपुर वाली जीजा जी आई है, चीनी खत्म होगी, थोड़ी चीनी मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। अरे भाभी ये क्या नया फ्रिज कब लिया? हाँ ये कल ही तो आई है। ओ ब्रांडेड तो है ना? हाँ, अच्छा ही है, 10 साल की वारंटी है। तो फिर ब्रांडेड का नहीं है, कितने का है ये? 25,000 का है। बस हमारे पिछले साल आया था 35,000 का। और पता है कैसा वाला है भाभी? वो ऐसे खुलते हैं ना, डबल डोर वाला है, डबल डोर वाला। अब कितने फेंकेंगे? भाभी आपको पता तो है मैं कोई भी चीज लोकल तो लेती नहीं हूँ, जितनी भी चीजें लेती हूँ वो ब्रांडेड लेती हूँ। चाहे जब बच्चों का है ना, टूथब्रश से लेके घर की ऐसी तक सारी चीजें मैं ब्रांडेड लेती हूँ, आपको पता तो है ही। अच्छा तो आप एक बार बताओ, आपने ये कुर्ता पहन रखा है, फिर ये भी ब्रांडेड होगा? हाँ, ये ब्रांडेड का ये कुर्ता है ना, मैंने सिटी मॉल से लिया था, पूरे 5,000 का है। पर वैसे आप ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, कल भूत बाजार में ये कुर्ता मिल रहा था 150 रुपये में। ओह नो, 150 150 150 150 हेलो भाभी, क्या कर रहे हो? अरे आपको पता है वो चड्डा साहब की बेटी है ना, वो भाग गई। आपको नहीं पता क्यों भागी? वैसे आपको पता ही कैसे होगा, आप तो घर के अंदर रहते हो ना, बाहर कहाँ जाते हो? हाँ वैसे मैं भी कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, मुझे भी ऐसे सुनते सुनते ऐसे खबर आ गई कानों तक। नहीं भाभी, मैं क्यों कहूंगी किसी को, अपने पड़ोसी की बात है, मैं किसी को नहीं कहूंगी। वैसे भी मुझे क्या मतलब है, मैं तो घर से बाहर जाती हूँ नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों कहूंगी किसी के बारे में किसी को भी। ठीक है भाभी, चलो मैं रखती हूँ। हाँ हेलो अनीता, तुझे पता है वो चड्डा साहब की बेटी भाग गई? हाँ चल ठीक है। ओह नो। हाँ हेलो गुटी, तुझे पता है वो चड्डा साहब की बेटी भाग गई? हाँ हेलो चांदनी, क्या कर रही है, तुझे पता है वो चड्डा साहब की बेटी भाग गई? सबको तो बता दिया, मैं किसको बताऊं, सबको तो कह दिया। अरे हाँ गुड्डी को कॉल करती हूँ। हाँ हेलो गुड्डी, क्या कर रही है? नहीं कुछ नहीं, मैं बैठी हूँ। वैसे तू बता क्या कर रही है? वैसे तुझे पता है वो चड्डा साहब की बेटी भाग गई? अरे भाभी आपके घर पे मेहमान आई है, कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे बता देना, ठीक है ना? अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे कह देना, मैं लेके आ जाऊंगी। ठीक है चलो, ठीक है मैं चलती हूँ। है सच्ची? अरे यहाँ मैंने देखा था उसको कल करवा चौथ पे है ना, ऐसे सज दस के रेडी हो रखी थी, मतलब छोटी सी लड़की है और सज दस के। मैंने कहा किसके लिए व्रत कर रही है, तो बोलती है ऐसे ही आजकल फैशन चल रहा है तो व्रत कर लिया हमने भी। मैंने कहा यार ये कौन सी एक्टिव होगी, मैंने कहा कि व्रत करी छोटी छोटी एज में लड़कियाँ व्रत करी, मैंने कहा कोई चक्कर वक्कर है क्या तेरा? वो कहे नहीं, हमने तो ऐसे जैसे हमको कुछ पता नहीं ऐसे सज दस के क्या। उसकी माँ भी कुछ नहीं कह रही उसको, पता है हमने तो कहा भाई देखो ये तो लखन इसके ना ठीक नहीं है, ये तो पता ही चलता है यार, किसी के लिए भी मतलब व्रत कर रही है और किसी को पता भी नहीं है, और इसे सज दस के इससे तैयार हो रही है, लिपस्टिक लाली लिपस्टिक पोत रखी थी इतनी सारी, मतलब छोटी सी लड़की है वो इतना सारा मेकअप कर रही है और ऊपर से पूरा रेड रेड हो रखी है, मतलब आजकल के बच्चों को क्या है कहीं हाथ से निकल गई। मैंने तो उनको कहा था भाई आपकी बेटी हाथ से निकल रही है, पर हम फिर हमें भी क्या है यार, उनकी मर्जी उनकी लाइफ जैसा सही है, हमें तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, देख लो हमने तो कह दिया जो है सो है, फिर भी यार अच्छा नहीं लगता ना। हाँ आंटी आपको पता है? हाँ वही तो, मैंने उसको देखा था आज, आपने भी देखा था क्या? हाँ हमारी बेटी तो देख लो भाई बहुत ज्यादा है, घर से हम तो कहेंगे ना, हम कहेंगे यहीं पे बैठना है तो वहीं पे बैठी रहेगी, वहां से हिलेगी नहीं, हम कहेंगे खाना खाना है तो खाएगी, पीना है तो पिएगी, मतलब हम जो कहेंगे ना वैसा हमारी बेटी करती है। पर उनकी बेटी मतलब हाथ से निकल गई उनको, तो समझ नहीं आता ना, हम बाहर से जा रहे थे इसे मतलब उनको शर्म भी नहीं आती है। हाँ और सुन तो नहीं रही, वैसे हमारी तो क्या पड़ोसियों की बात है तो हम किसी को कहते थोड़ी ना, मैंने तो आपको अपना समझ के कह दिया, वैसे आप भी किसी को है ना कहना मत, ठीक है ना? वैसे हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, चलो अपन को क्या है यार, उनकी लाइफ है उनकी मर्जी है, हमने तो अच्छा नहीं लगा कि मतलब कुमारी कुमारी लड़की है ना उसकी सगाई हो रखी है, किसके लिए व्रत रख रही है क्या पता, कहती है मैं फ्यूचर हस्बैंड के लिए व्रत रख रही हूँ। अबे तेरा कोई फ्यूचर हस्बैंड है?
आइए ही कह रहे, रिश्ता हो तब रखना किसी के लिए, हमें सब जैसे हमें इसके नौटंकी का पता ही ना हो, है? कोई चक्कर वक्कर चल रहा होगा इसका बाहर, इसीलिए व्रत रख रही है ये। चलो हमें छोड़ो ना यार, अपन काम करती है, छोड़ो इनको। अरे भाभी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, ऐसे रेडी हो के है? वैसे मैं अंदर काम करी तो मुझे आप दिखे रेडी हुए, मैंने सोचा पूछ के तो आऊँ कहाँ जा रही है। वैसे अच्छे लग रहे हो पर हाँ थोड़ा सा है ना, नहीं थोड़ा सा ऐसे लुक अच्छा नहीं आ रहा। भाई अच्छे लग रहे हो, हाँ अच्छे लग रहे हो, वैसे अगर मैं रेडी करवाती ना तो और अच्छे लगते आते हैं। वैसे आप अच्छा, हाँ 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 ठीक है जाओ, लेट हो रहा होगा है ना। देखो एक्टिंग तो देखो इन्हें, मतलब मैं तो जीता पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो, हमें लेट हो रहा है जैसे हम इनकी बस छुटवा रही है, हो रहा है हमें क्या। ओह थक गए। वैसे भाभी पानी पूरी तो छोड़ो, इनको तो ना अच्छे से हम तक रसगुल्ले ही नहीं पहुँचाए, रसगुल्ले गुलाब जामुन हो गए हम तक पहुँचाने तो चाहिए थे ना, हम तक आए ही नहीं रसगुल्ले, वो भी खत्म हो गए हम पे आने से पहले, अरेंजमेंट तो अच्छा करना चाहिए था ना इनको। चलो कोई नहीं भाभी, ये जो अरेंजमेंट में है ना ये तो ऊपर नीचे हो जाता है, पर विदाई के टाइम 1,000 का लिफाफा ही पकड़ा देना था इनको। अभी तो सोच रही हूँ मैं उनकी शादी में गई क्यों, उनके चक्कर में मेरा मैनीक्योर पेडीक्योर ही छूट गया ना बीच में, मैंने वो भी नहीं करवाया। अरे भाभी ये छोड़ो, गुप्ता जी की बेटी को देखा था आपने? हाँ हाँ भाभी, मतलब निगाह तुम भी रखती हो बराबर। हाँ भाभी चलो ठीक है, अच्छी बात है शादी में, पर शादी में निक्कर कौन पहन के आता है? विचार कुछ नहीं है, अलग है भाभी इनके, बस इनको तो बस ये है ना कि शादी में ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें 10-10 लोंडे देखेंगे कैसे हैं, वरना सेटिंग कैसे होगी इनकी है। वैसे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाभी, हमारे बच्चों में हमारे संस्कार है। हाँ हाँ मिस्टर शर्मा आप यहाँ पे आराम से बैठ के है ना चाय पी लो, इधर मैं अभी बाजार गई थी, आपका लड़का है ना किसी लड़के के साथ इल्लू इल्लू कर रहा था और मैंने वहाँ पे उनको देख लिया था। नहीं नहीं मुझे पता था मिस्टर शर्मा आप मेरे पे बात पे है ना यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने ना फोटो खींच ली थी, ये लो आप देखो ये आपका लड़का ही है ना। मिसेस शर्मा मैं तो इसलिए बताया था क्योंकि ये अपना ही लड़का है ना, कौन बताता आजकल इतना, कौन सोचता है किसी के बारे में, मैंने आपको बता दिया ठीक ना है। डाल दिया अब इनके घर में कलेश, अब आराम से कौन सुन सुन के ना इनको सुनूंगी क्या हो रहा है, लड़ाई करेंगे यार, मजा आएगी यार। हाँ और मारो और मारो। अरे सुनो आपको पता है आज सामने वाली अंकल ने है ना गाड़ी ली है, हाँ सामने वाली भाभी जी है ना, मतलब वो ऐसे घूम रही थी तो मैंने देखा था बाहर, भाभी जी ऐसे गाड़ी ले रहे लेके आई है ना तो मैंने देखा था अभी। हाँ वैसे हमें अभी तक तो बुलाया नहीं, वैसे बुलाएंगे नहीं तो हम तो जाने वाले नहीं है, हम तो नहीं जाएंगे ठीक है ना, हम नहीं जाने वाले। अरे भाभी जी आ रही है, भाभी जी आ रही है। वाओ, वाओ। ओ नमस्ते भाभी, नमस्ते भाभी, कब आए आप? अच्छा अभी आई, कैसे आना हुआ, बैठो बैठो कैसे आना हुआ? ओ अच्छा गाड़ी ली, अच्छा ना मैंने देखी नहीं, अच्छी बात है ना गाड़ी ले ली। हाँ 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 जरूर आएंगे ना हम, पूरा परिवार आएंगे हमारा, हाँ जरूर आएंगे। ओके नमस्ते, आज कोई दिखा नहीं, किसको पकड़ूं किसको पकड़ूं। ओ चिंकी बेटा रुक रुक कहाँ जा रही है? अच्छा घर वालों को बकरा बना के ऑफिस का नाम लेके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है ना, अच्छा अच्छा जाओ जाओ अपनी जिंदगी जियो। मैं तो तुम्हारी बारे में है ना पूरी गली में जितनी भी आंटी है ना सबको कह के ना तुम्हारी प्राइवेसी थी गई बेटा, सबको कह दूंगी मैं तुम्हारी, एंजॉय एंजॉय जाओ जाओ। पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप।